और एक बात और बात कीजिए कि मिलावट क्यों नहीं रुक रही है, क्योंकि आप इस एक्ट में घूस का ज्यादा प्रतिजन है, ईमानदार व्यापारी परेशान हो रहा है, मिलावट करने वाला मानवाड़ी पा रहा है, और मानवाड़ी दे दो अपनी चाहे जहर दे दो, कोई पूछने वाला नहीं था। मैंने कहा जरा एक सरल बनाओ, एक्ट आया, मैंने पढ़ा, यह एक्ट हिंदुस्तान का बना हुआ नहीं है, यह एक्ट पश्चिमी देशों की पूर्तियां नकल है। अगर आपको विश्वास ना हो तो पश्चिम देशों का आप एक्ट मंगा लें और इसका मिलान कर लें। मैंने मिलान किया है जब यह बात कह रहा हूं। पश्चिम देशों में और हिंदुस्तान में आज जमीन आसमान का अंतर है। हम गांव की पगडंडी पर दुकान खोले बैठे हैं, हम शहर की गलियों में दुकान खोले बैठे हैं, हम कस्बों में दुकान खोले बैठे हैं। कहां अमेरिका, कहां इंग्लैंड, कहां हिंदुस्तान। यह एक बहुत अच्छा है, बशर्ते हम पूरे हिंदुस्तान की आबो हवा और रहन सहन यूरोप के समान कर दें तो बहुत ठीक है, और अगर हम यूरोप के समान नहीं कर सकते तो इस कानून के अंतर्गत देश का व्यापारी व्यापार कर ही नहीं सकता है, असंभव है। मैं बहुत सूक्ष्म में बनी बात करूंगा क्योंकि सभी को जल्दी है, हमें भी जल्दी है। आपने रजिस्ट्रेशन का यह प्राधिकरण रखा, क्या जरूरत है एनओसी की? मकान मालिक हमें एनओसी देगा क्या? हम पुराने किराएदार हैं, 50 साल पुराने, हमारा आज वो मकान 500 रुपए महीने किराए का है, वो हमसे खाली कराना चाहता है मकान मालिक, क्योंकि आज वो 5,000 का उठेगा, वो हमें एनओसी कैसे देगा? एनओसी की जरूरत क्या है? आप पुराना एक्ट देखें, एक पेज का उसमें फार्म है, हमारा नाम, हमारा पता, हमारे पिताजी का नाम, हम क्या कारोबार करते हैं, हमारी दुकान नंबर क्या है, ये इतना पर्याप्त है। आपने लाइसेंस लेने का कानून 5 पेज का बना दिया और वो इंग्लिश में। आज आप मानवर क्या हिंदुस्तान की स्थिति पता नहीं है कि आज 70% यहाँ का नागरिक बिना पढ़ा लिखा है, 70% यहाँ का व्यापारी कक्षा 8 तक पढ़ा है। कितनी मोटी किताब है, कौन पढ़ेगा आपको उस किताब को, वो भी इंग्लिश में। हिंदी में मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, नहीं मिली, क्योंकि हिंदुस्तान का सारा व्यापारी इंग्लिश जानता ही नहीं है। आपने 5 पेज का फॉर्म बना दिया, वो भी ऑनलाइन कर दिया। आज हिंदुस्तान के 20% व्यापारियों के पास कंप्यूटर है, 80% व्यापारियों के पास कंप्यूटर नहीं है। अब गांव में जो पगडंडी पर बैठा है उसके पास कहां है कि ऑनलाइन कर दे वो? गांव शहर की गली में जो बैठा है वो ऑनलाइन कराने के लिए किसी वकील के पास जाता है, वकील क्या करता है? प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं, वकील कहता है 5,000 फीस लूंगा, 5,000 अधिकारी की घूस होगी। मानवर हमारे साथ आप चलिए, कल 100 रुपए के लाइसेंस के 500 रुपए आपका इंस्पेक्टर दे रहा है, क्योंकि आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, आपका कोई स्टाफ है ही नहीं, आपने यह काम कलेक्टरेट को सौंप दिया, और कलेक्टरेट के कर्मचारी भगवान मालिक है। पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारी कैसे हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं, अगर आप जांच कराएं तो नाम भी बता दूंगा। आपका एक इंस्पेक्टर कानपुर में कहता है 20,000 रुपए साल दे दो, तुम्हारे यहां साल में कोई चेकिंग नहीं होगी, क्या इसलिए यह कानून बनाया गया है क्या? इस कानून का पालन हम नहीं कर सकते, और इसीलिए हमने इस कानून को कल मैंने धरना दिया है। बहुत इसमें डिफेक्ट है, मैं ये उदाहरण देता हूं। आपने पानी पर बहुत कुछ कहा, हमारे पास नगर निगम का पानी आ रहा है,
जल बोर्ड का पानी आ रहा है, जल निगम का पानी आ रहा है, अब उसको हम कहाँ से चकराते घूमेंगे? पूरे हिंदुस्तान में आपकी आज केवल 56 लेबोरेटरी हैं और हिंदुस्तान में 600 डीले हैं। मैं कानपुर का व्यापारी हूँ, मैं आपके आपका एक ऑफिस लखनऊ में है, मैं वहाँ गया और आपके अधिकारी से पूछा कि भाई मैं सवा के एक मिल से खरीद के लाया हूँ, बेचना है फुटकर, हम इसकी टेस्टिंग कहाँ कराने के लिए शुद्ध है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी लखनऊ में, भाई जरा सुनिए, उन्होंने कहा लेबोरेटरी लखनऊ में, तो पहले तो ये टीम का सैंपल लेकर के हम कानपुर से लखनऊ जाएं, फिर लखनऊ की लेबोरेटरी की फीस 500 रुपया बताई उन्होंने, हम उसकी फीस 500 रुपया दें। हमने कहा रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा? बोले 30-40 दिन के बीच में मिलेगा, यानी तब तक एक कलेक्टर तेल हम अपनी दुकान पर रखे रहे, बेचे ना, ग्राहकों को वापस करें, क्योंकि अगर वो मिलावटी है, मिल से मिलावटी आया है, सजा मेरा होगा, सजा हमें होगी। दूसरी आपसे निवेदन है कि अगर इस सेक्टर को लागू करना है, तो कल भी मैंने माननीय अपने जो मिला था जाकर के फूड के डायरेक्टर के आपके ऑफिसर मुझार से, उनसे हमने कहा कि लेबोरेटरी हर जिले में खोलो, बोले ये संभव नहीं है, बाहरी प्लान में 25-year प्लान में 190 लेबोरेटरी और खोलने का प्राविधान किया जा रहा है। इसके माने पूरे देश में लेबोरेटरी खोलने में अभी कई 5-year प्लान लगेंगे, तब आप इसको लागू करिएगा, अभी यह संभव नहीं है। अब एक मैं दूसरा उदाहरण आपको बहुत छोटा सा देना चाहेगा, 12.5 लाख की खेल पर आप देख रहे थे, समझिए 12.5 लाख का सेल 12 है, 10% का 12 मुनाफा है, इसके माने साल भर में हमने 1,20,000 रुपया कमाया, उसमें कर्मचारी का वेतन भी दिया, बिजली का बिल भी दिया, खर्चा भी दिया, यानी हमको बचे महीने में 8,000-7,000 और आपने जुर्माना रखा है 3.5 लाख, हम कहाँ से देंगे? 6,000 या 8,000 में हम अपना पूरा परिवार पाल रहे हैं। मानवर छठे वेतन आयोग के अनुसार आपको तो वेतन मिलता है 1 लाख, पर व्यापारी की कमाई 6,000 रुपया महीना से ज्यादा की नहीं है, बहुत से व्यापारी तो केवल 2,000 रुपया कमा रहे हैं। आपकी रिपोर्ट कहती है सरकारी कि 35 रुपया रोज पर पूरे परिवार चल रहे हैं, वो 5 लाख रुपया कहां से देंगे आपको? अरे कानून प्रैक्टिकल बनाओ, थ्योरेटिकल ना बनाओ, और प्रैक्टिकल बनाने के लिए जरूरी है कि कानून बनाते समय व्यापारियों को बुला के राय दे। हम जानते हैं कि धनिया कैसी बेची जाती है, हम अगर आपको धनिया दिखा दें तो सरकारी अधिकारी ये नहीं बता सकता कि ये धनिया है या क्या है। एयर कंडीशन कमरे में बैठ के कानून बनाना बड़ा सरल काम है, पर राजस्थान के रेगिस्तान में जून के महीने में जिनको 12 बजे दुकान खोल के बैठ करके उपभोक्ताओं को सामान देना बड़ा कठिन काम है। हम कौन व्यापारी, हम मई जब दिसंबर और जनवरी में जब भीषण सर्दी होती है तब जम्मू काश्मीर के आगे हिमालय पर बैठ करके रात को 12 बजे उपभोक्ता को सामान देते हैं। आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ के ऐसे कानून बना लेते हो जिनका पालन हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम रजिस्ट्रेशन आप ये पा रहे हैं क्या? मैंने कल कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन की डेट 5 अगस्त 2012 से 5 अगस्त 2013 तक दी गई है, मैंने कल कहा। आपने कहीं इसमें कोई प्राविधान नहीं किया है, हम सील बंद में सुनाते हैं, सील बंद में सुखा सैंपल भरा जाता है, फेल हो जाता है, मुकदमा हमारे ऊपर चलता है। हमने एक बात कही है कि सील बंद में सुखा सैंपल उत्पादक कंपनी के नाम से भरा जाए, मुझे गवाह बनाया जाए, मैं रसीद दूंगा,
कि मैं इसके यहां से लाया हूं, अब ये अपना वीजा नाथ क्या नहीं है, दुकानदार मारा मारा घूमे, कुछ प्रैक्टिकल बनिए, और प्रैक्टिकल बनने के लिए अधिकारियों को कुछ भेजिए, हमारी दुकान पर एक दिन बैठ के माल बेचें, तो उनको पता चलेगा कि माल कैसे बिकता है।